दीपावली भैया दूज गोवर्धन पूजा एवं छठ के शुभ अवसर पर मेरे ओर से विश्रामपुर विधानसभा के सभी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इतनी देर बैठक में चाहे वो नल जल योजना पीएसडी की बात आई वो भी आधी अधूरी सूचना, पीडब्ल्यूडी की थी वो भी आधी अधूरी सूचना, आरियो और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सड़क योजना उसकी भी आधी अधूरी सूचना, मतलब हर एक विभाग की अधूरी सूचना, कोई बिना तैयारी बिना जानकारी के साथ ये पदाधिकारी आए थे। इसलिए ये निर्देश दिया गया कि आप अगली बार पूरी तैयारी के साथ आए, और अगर नहीं आएंगे तो वैसे अधिकारी को दंडित भी किया जाएगा जो अगर बिल्कुल अगली बार से। और कुछ पर जांच भी कमेटी बनी है, उसमें उपायुक्त को कहा गया है नल जल योजना के बारे में कि आप जांच कमेटी कराएं, और लोकल जनप्रतिनिधि भी उसमें रहे। पदाधिकारी का कहना है कि पानी लोगों को मिल रहा है, जबकि लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं प्रमुख है या माननीय विधायक है उनके द्वारा उनको ये कहना है कि पानी नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल पूरे जिला के अंदर जितने भी नल जल योजना के तहत की महत्वाकांक्षी योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है 2024 तक हर घर को शुद्ध पेयजल देना है, और निश्चित रूप से जिस मंथर गति के साथ चल रही है कि ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे ये पूरा हो सकता है, और काम की गुणवत्ता भी काफ़ी खराब है, इसके लिए निर्देशित किया गया है कि जांच करें, उसके बाद फिर सभी को वो साथ लेके और जहाँ कहाँ पानी मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा है उसकी पूरी जानकारी दें। क्योंकि अधिकारी तैयार नहीं थे, इस बैठक को खानापूर्ति वो करना चाहते थे, इसलिए बैठक को खत्म कर आज बीच में समाप्त करके ये निर्देश दिया गया है कि फिर एक महीने के अंदर बैठक करेंगे, लेकिन पूरी तैयारी के साथ, अधिकारी टालने वाले मन के साथ न आए। कार्रवाई के लिए लिखा गया है, कार्रवाई के लिए दिया गया है, इस तरह नहीं चाहते हैं। जब निगरानी समिति की बैठक है निश्चित रूप से इसमें हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो, जो भी निर्णय होता है उसका असर दिखना चाहिए। और यहाँ आठ, चूँकि जब पहली बैठक के बाद अभी जब आए हैं तो लगभग वही स्थिति है जो पहली बैठक में थी, तो इसलिए निर्देशित दिया गया है उपायुक्त को कि आप पहले समीक्षा करें जितने भी बिंदु पर चर्चा होती है, और उसके बाद फिर उसका अनुपालन प्रतिवेदन के साथ फिर हम अगली बैठक रखेंगे। यानी अधिकारी तैयार नहीं थे जिसके वजह से आज बीच में ही समाप्त सामने थे। हमने निर्देश दिया कि जो आपका क्रियाकलाप है कार्यकाल बीजेपी सरकार द्वारा मत कीजिए, कि जेएमएम सरकार है, इसलिए ये धीमी गति मत चलाइए, इसलिए एक मिनट टाइम दिया गया, स्पष्ट रूप से सब इनको जानकारी दी। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।